बीवी करना तो चाहती नहीं है, वो तो बेचारी मौका देख के मतलब निकलना चाहती है, बट भवरी देवी बींग भवरी देवी वो तो चाहती है कि मैं कोई भी मतलब वो चांस नहीं छोड़ते मुझे ताना मारने का या फिर मेरे साथ मिसबिहेव करने का, तो मैं निकलना चाहती थी बट उन्होंने मेरे को फॉर्सफुली रुका दिया कि तू कर ले सिलेक्शन यू नो शेर की नई बीवी की। तो ना चाहते हुए भी मजबूरी में जो भी है वन बाय वन चीज़ें कर रही है श्रद्धा, तो क्या करें, शी इज़ हेल्पलेस। ऑफकोर्स बुरा फील कर रही है पर शेर से प्यार भी इतना कर दी है तो वो शेर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, यू नो वॉट एवर मेक्स हिम हैप्पी शी विल डू दैट। एंड वो नहीं चाहती कि यू नो अननेसेसरली कुछ चीज़ें स्पॉइल हो या फिर शेर की शादी स्पॉइल हो, सो यस शी इज़ डूइंग इट। हाँ आपने देखा ना दुल्हन के लिए कितनी अच्छी अच्छी साड़ियों की सिलेक्शन कर रहे थे, बिल्कुल एम्ब्रॉयडर्ड जरी वाली साड़ियाँ, और श्रद्धा के लिए उठा के बिल्कुल पुरानी वाली साड़ी नहीं होती जो कहते हैं कि पतूरियाँ जैसे कि सर्वेंट को पहनने देते, तो पुरानी वाली साड़ी उठाया मेरे मुँह पर दे मारी कि ये लो श्रद्धा तुम ये किसी भी रस्म में पहन लेना। तो अभी बिल्कुल ही पहले तो जैसे कि लोगों को लगता था ना कि टॉर्चर, तो अभी ये फिज़िकल टॉर्चर छोड़ के अभी वर्बल टॉर्चर ज़्यादा हो गया कि बेइज्जती पे बेइज्जती, जितना वो बिल्कुल कसर नहीं छोड़ते मेरी बेइज्जती करने में, तो आज इस तरह बेइज्जती कर डाली कि पुरानी वाली साड़ी जो हम ऐसे ही पहनने देते हैं तो तुम पहन लेना क्योंकि तुम्हारा तो कोई कुछ रिलेशन रहेगा नहीं शेर के साथ, तो तुम क्या करोगी ड्रेसअप करके, सो दिस इज़ गुड फॉर यू।